हाय दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज का वीडियो दोस्तों साइंस एक्सपेरिमेंट पर है। मैं इस कील में मैग्नेट बनाकर आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इन किसी भी कील में मैग्नेटिक पावर नहीं है, मैग्नेट क्षमता नहीं है। तो इस कील में मैं 12 वोल्ट का उपयोग करके इसमें मैग्नेट बनाकर दिखाऊंगा। तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो इसको दोस्तों मैं एक वायर की मदद से बनाऊँगा इसमें। तो देखिए क्या करना है, इस वायर से इस कील में जो आपको दोस्तों इस वायर को इस कील में लपेट लेना है, कुंडली टाइप बना लेना है। दोस्तों हमें इसमें दो पॉइंट मिलेगा, एक तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो, दूसरा जो हमारा इसमें घूम कर आएगा। तो इसमें हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं जिसमें हम लाइट इनपुट करेंगे 12 वोल्ट का। देखिए दोस्तों, लाइट काम करते हुए कोई भी काम अगर आप लाइट करते हैं तो सावधानी बरत करिए, सावधानी रखकर करिए। इस कील में दोस्तों आपको करीब 350 राउंड कर लेने हैं, 350 राउंड का कॉइल बनाना है। इस प्रकार देखिए ये बन चुका है हमारा। और दोस्तों इसका वायर जो है इंसुलेटेड होता है, तो इससे पहले हम किसी ब्लेड की मदद से इसे स्क्रैच कर लेंगे। अगर वैसे ही कनेक्शन करते हैं तो इसमें कनेक्शन सप्लाई नहीं होगा, तो स्क्रैच करके फिर इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इस चार्जर का उपयोग करूंगा और लाइट से डायरेक्ट इसे चेक करके दिखाऊंगा। तो मैं इसमें कनेक्शन कर ले रहा हूँ। दोस्तों आपको 12 वोल्ट बैटरी है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो लाइट से यूज करना है तो किसी चार्जर से ही यूज करिए, डायरेक्ट एसी में मत लगाना। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, इसे ऑन करते ही इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता है। और एक बार जब इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ मैग्नेट इसमें इस कील के अंदर हो जाता है, मैग्नेटिक क्षमता हो जाती है एक बार इसमें पावर देने के बाद। तो यहाँ जिससे हम जैसे इसे ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेट जनरेट होगा, इसे कील को आगे खींच लेगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा इसका जो कुंडली हटाकर इस पर जो हमने वायर लपेटा है इसको हटा भी देंगे, फिर भी इस कील में मैग्नेटिक क्षमता जनरेट हो जाएगी एक ही बार में। तो मैं इसे हटाकर देखता हूँ इसमें कितना मैग्नेटिक पावर रह जाता है। फिर से इस कील का जो है दोस्तों, इस कील से हम इस वायर को हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर रहता है या नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए वही कील है जो दोस्तों पहले जो उसमें मैग्नेटिक पावर कुछ भी नहीं था, तो अब देखते हैं इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर आ गया या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक पावर आ गया है। प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।